जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास टेंथ का दोस्तों, जो हम लोग 2020 का सेट कर रहे हैं तीसरा एनएल, जिसमें दोस्तों आज हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स का अध्ययन पूर्णतः कर लिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाले हैं और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें बायोलॉजी का पूरा अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तीनों सेट में दोस्तों हम लोगों ने किस प्रकार से अध्ययन किया है। फर्स्ट पार्ट में आपका फिजिक्स, सेकेंड पार्ट में केमिस्ट्री, थर्ड पार्ट में बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आप लोग कोई भी आंसर कर रहे हो, आपको केवल एनएल देखना है। क्या देखना है? एनएल, ठीक। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है पांचवें का, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तो मेथेनॉल, मेथेनल, एथेनॉल, एथेन, तो एल्डिहाइड किसे कहते हैं? तो बोर्ड एग्जाम में तो आपको लिखना है उत्तर पांच का, उत्तर पांच का। अब सबसे पहले मेथेनल जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेथेनल का फार्मूला क्या होता है? मेथेनल का फार्मूला होता है HCHO, और HCHO ये जो है ये किसको दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है एल्डिहाइड को। किसको दर्शाता है? एल्डिहाइड को। तो अब कौन सा ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों? आपको दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, मेथेनल। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। इसके बाद पांच में खा, H2SO4 के जली विलयन का पीएच मान है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 के जली विलयन का पीएच मान, यानी H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 से कम, ठीक। इसके बाद पांचवें का गा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ध्यान देना कि हमेशा कोई भी धातु हो अगर उसकी क्रिया अम्ल से करे तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, लेकिन यहां पर कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो याफी यानी लोहा हाइड्रोजन विस्थापित करती है। इसके बाद जिंक भी विस्थापित करती है, क्योंकि लोहा, जिंक, मैग्नीशियम ये सभी जो है ये अधिक क्रियाशील धातु है, और इसका जो आपके पास नहीं करने वाला धातु है कापर, जो कापर जो है ये कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए कापर जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, कापर, ठीक। छह का, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। सबसे पहला आप लोग, आपको बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है? बोर्ड एग्जाम में लिखना है आपको उत्तर छह का, और IUPAC नाम किसका? IUPAC नाम CH3COOH। सबसे पहले IUPAC नाम लिखने से पहले दोस्तों आपको करना क्या है? आपको दोस्तों बता दे कि सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो COOH है ये समूह है। कौन सा समूह है? ओइक समूह। कौन सा समूह है? ओइक समूह, ठीक। अब कितना कार्बन है इसमें? तो एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन होने पर क्या होता है? कार्बनों की गिनती हमने पढ़ाया था, मेथ, फिर इसके बाद एथ, तो ये हो जाएगा एथ। ये हो जाएगा एक कार्बन और दो कार्बन मिलकर हो जाएगा एथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एथे नोइक, और ओइक क्या होता है? हमेशा अम्ल। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। इसके बाद HCHO, ये तो अभी हमने ये कहा था, तो इसका IUPAC नाम क्या है? इसका IUPAC नाम आपके बुक में देखो दिया ही है, ये सामान्य नाम। तो इसका क्या आ गया? सामान्य नाम इसको ऐसे कह सकते हो, ध्यान देना, एथिल एल्डिहाइड। क्या कह सकते हो उसको? एथिल एल्डिहाइड या मेथिल एल्डिहाइड या एल्डिहाइड कह सकते हो, लेकिन यहां पर CHO जो है ये एल्डिहाइड इसका सामान्य नाम है, और नल जो है यानी अल जो है, अल इसका IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनल। इसके बाद छह का खा में बेकिंग सोडा बनाने की एक विधि तथा एक उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा मतलब दोस्तों वह सोडा जिसका प्रयोग हम लोग खाने में करते हैं, तो एक उपयोग इसका हो गया, यानी इसका उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। दूसरा उपयोग इसका हम लोग किस में करते हैं? जैसे ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाने में करते हैं। तीसरा उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। इसके बाद जैसे किसी वस्तु को फुलाने में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग हो गया। और इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि इसको बनाने की एक विधि, तो इसको सबसे पहले हम लोग ब्राइन लेते हैं। ब्राइन का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का जली विलयन।
ब्राइन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्राप्त करते हैं। मतलब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे छह का खा, हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर छह का खा, उत्तर छह का खा। सबसे पहले जब इसको बनाएंगे हम लोग, तो बनाते समय सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेंगे NaCl का जली बिलियन, जिसको ब्राइन भी कहते हैं। हाँ, NaCl ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसमें प्रवाहित करेंगे हम लोग NH3। और बनेगा क्या, बनेगा हमारा सबसे पहले NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। और इसके बाद बनेगा हमारे पास, हमारे पास क्या बनेगा, NaHCO3। क्या बनेगा, NaHCO3। ये हो गया हमारे पास बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, खाने का सोडा। तो हम लोगों ने इसको कैसे बनाया, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया हमारे पास अमोनिया, इसको प्रवाहित कर दिया और क्या बन गया हमारे पास, खाने का सोडा। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपके पास छह का गा, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि मिसेल के बारे में हम लोगों ने 2020 के पहले सेट में, दूसरे सेट में, दोनों में हम लोगों ने यही पढ़ा है। ठीक है, दोनों सेट में बताया हमने, तो आप लोग उस सेट से तो अध्ययन कर ही लिया होगा, तो इस सेट में बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं भी आप लोग अगर नए इस वीडियो में देख रहे हो तो वो प्लीज उस वीडियो को, यानी जो 2020 का सेट वन और सेट टू है, उसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अध्ययन कर लेना आप लोग। इसके बाद सातवें का क्या होता है, जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो सातवें का पहला, सबसे पहले लिखेंगे उत्तर सातवें का, क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर सातवें का, उत्तर सातवें का पहला, सातवें का पहला क्या है, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाया जाता है। जिंक चूर्ण, जिंक का फार्मूला क्या होता है, Zn, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4, इसके साथ मिला रहे हैं। तो जिंक क्या है, धातु है, ये क्या है, अम्ल है। हमें पता है धातु अम्ल के साथ मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिंक को, जिंक तो एक तो हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये SO4 को ले लेगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4+H2। ठीक, यही हो गया इसका रिएक्शन। इसके बाद इन्होंने कहा सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, ये तो पहला था। ठीक है, पहला था, इससे पहला यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर लिखते पहला, अब लिखते हैं दूसरा। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O+ जल में घोला जाता है, इसको हम लोग जल में घोलेंगे। जब जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सोडियम ऑक्साइड और जल मिलकर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस कीजिए दोनों में, इस बार Zn एक बार, Zn एक बार, H2 दो बार, H2 बार, SO4 एक बार, SO4 एक बार, क्लियर हो गया, ऊपर वाला बैलेंस है। नीचे Na दो बार है तो दो का गुणा करना पड़ेगा, Na हो गया दो बार, Na हो गया दो बार, O हो गया दो बार, O हो गया दो बार, H दो बार, H2, बैलेंस हो गया। ठीक, यही पूछा गया था। अब हमसे पूछ रहा है सातवें का खा, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर सातवें का खा, क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर सातवें का खा। ठीक है, उत्तर सातवें का खा में हमसे ये कहा गया है कि धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत से लोग ध्यान रखना कि डायरेक्ट लिख देते, डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको हेडिंग डाल के लिखना है। जैसे बोर्ड एग्जाम में एक तरफ आप लोग डालोगे धातु और एक तरफ डालोगे आप लोग अधातु, और यहां पर भौतिक गुण पूछा गया, तो यहां पर लिखोगे भौतिक गुण, तीन कॉलम बना लोगे। ठीक, भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब वह गुण जिसको हम लोग छू सकते हैं, कुछ काट पीट सकते हैं, जिसको हम लोग कर सकते हैं, वो भौतिक गुण होता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा धातु अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए, तो भौतिक गुणों पर आधार पर हम लोग अंतर स्पष्ट आपको बता दे। क्वेश्चन है आपका दो नंबर का, तो दो बता दे रहे, बाद बाकी जितने नंबर का होगा उतने आपको अंतर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अगर तीन नंबर का है तीन लिखोगे, चार नंबर का है तो चार लिखोगे, पांच नंबर का है तो पांच लिखोगे। ठीक, ऐसे लिखना है। सबसे पहले धातु अधातु, धातु में दोस्तों आपको बता दे, धातु जो है
वो अघाध वर्धनीयता और तन्यता के गुण रखता है, जबकि अधातु अघाध वर्धनीयता तन्यता गुण नहीं रखता है। कहने का अर्थ ये है, धातु को अगर हम लोग पीटे तो वो या तो लंबाई में बढ़ेगा या तो फिर फैलेगा। भाई फैलना कहलाता है अघाध वर्धनीयता और लंबाई में बढ़ने को कहता है कहते हैं तन्यता। तो धातु में ये गुण होता है, जबकि अधातु जो होते हैं अघात पर देता और तन्यता गुण नहीं होता है। धातु को पीटने पर वो लंबाई में भी फैलता है, लंबाई में बढ़ता है और चौड़ाई भी फैलता है, जबकि अधातु को पीटने पर वो टूट जाता है। अधातु जो है वो भंगुर होते हैं। अधातु क्या होते हैं? वो भंगुर होते हैं, ठीक है। दूसरा गुण दोस्तों ये है, दूसरा गुण ये है कि धातु में एक विशेष चमक होती है, अधातु में विशेष चमक नहीं होती है। मतलब धातु को अगर तेज धार वाली औजार से काटो तो उसके अंदर एक विशेष चमक होती है। सरिया में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सरिया को काटो तो एक विशेष चमक निकलती है, और अधातु जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को काटो तो कोई चमक नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, धातु की सतह अधिकतर काटने पर सपाट समतल चिकना निकलता है, जबकि अधातु खुरदरी यानी खांचे खांचे बने होंगे। ये धातु अधातु में मतलब ये हो गया भौतिक गुणों के आधार पर अंतर, ठीक है। इसके बाद आठवें का किन्हीं दो अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। दो के बारे में चार दिया गया है, दो के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर आठ का, उत्तर आठ का, आठ का में सबसे पहला हेडिंग आपको ये डालना है, संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। दोस्तों संकलन अभिक्रिया क्या है? बोर्ड एग्जाम वाले थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए क्वेश्चन को घुमा देते हैं। संकलन अभिक्रिया के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, आपको बता दें फर्स्ट चैप्टर ही है संकलन अभिक्रिया का, आपके बुक का, एनसीईआरटी बुक का, कि संकलन अभिक्रिया मतलब जिसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, चाहे दो अभिकारक हो और चाहे दो या से अधिक अभिकारक हो, वो जुड़कर अगर एक उत्पाद बनाता है तो उसे कहते हैं हम लोग संकलन अभिक्रिया। मतलब समझो, जैसे हमने रिएक्शन के तौर पे ले लिया, एक ले लिया हम लोगों ने CaO यानी ये हो गया शुष्क चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और एक ले लिया हमने H2O यानी जल। जब मिला दिया तो क्या बना? CaOH का होल्टाइज यानी बुझा हुआ चूना। ये एक अभिकारक है, ये एक अभिक्रियक है, मिलकर एक उत्पाद बना, इसे कहते हैं संकलन अभिक्रिया, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, H2O O2O2 CA बैलेंस है। दूसरा अगर सिंपल एग्जांपल लेना चाहो तो आपका तो सबसे बढ़िया मस्त एग्जांपल है H2O2 रिएक्शन, H2O दो का गुणा कर लो, दो का गुणा कर लो, बैलेंस भी हो गया और आपका संकलन अभिक्रिया भी हो गया। संकलन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, संकलन अभिक्रिया कहलाता है, क्लियर। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये तो बार बार सेट पे पढ़ रहे हैं हम लोग, 2021 के भी सेट पे पढ़ चुके हैं और 2020 के दोनों सेट पे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको बताने की तो जरूरत है ही नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है इसे, ये तो आपके पास पहला था, दूसरा हेडिंग आपको डालना है, तीसरा हेडिंग ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है H2+O2 रिएक्शन H2O है, यहाँ पर O आकर इसके साथ जुड़ा, यानी क्या बन गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल CO+O2 रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा CuO या CuO2, ठीक है। अगर इसका बैलेंस करें तो इसमें दो का गुणा लगा दो, तो ये O हमारे पास हो गया, इसमें दो का गुणा लगा दो, तो ये हो गया चार बार O हो गया दो बार, तो एक काम करो इसमें दो का गुणा ना करके चार का गुणा कर दो, ठीक। ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आपके दहन अभिक्रिया, दहन का मतलब क्या होता है? जलना, जलाना। अब जलता किसकी सहायता से? कोई वस्तु किसकी सहायता जलती है? ऑक्सीजन की सहायता से ही वस्तु जलते हैं।
यानी ऑक्सीजन से ही वस्तु को जलाए जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी वस्तु का जलना दहन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेना है, पहले तो हेडिंग डाल लेना, आपको हेडिंग डाल लेना है, चौथा नंबर हेडिंग डाल लेना है आपको दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में क्या होता है, वस्तु ऑक्सीजन की सहायता से जलते है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें मीथेन को जलाना है, तो मीथेन का एग्जांपल क्या होता है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4+O2। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, इसको जलाएंगे तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2+H2O। क्या बैलेंस है चेक कर दो एक बार, ये हो गया C एक बार बैलेंस कंप्लीट है। इसके बाद H चार बार और H दो बार, बैलेंस अनकम्प्लीट, यहाँ पर दो का गुणा कर देंगे तो H चार बार, O दो बार नहीं, अभी O की बैलेंस बिगड़ी हुई है, वो है चार बार, तो यहाँ पर दो का गुणा करो, हो गया चार बार, बैलेंस कंप्लीट हो गया। अरे दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से किसी वस्तु को जलाए जाते हैं, दहन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर। इसके बाद आपको करना है आठवें का खा, निम्नलिखित तत्वों के योगों के संयोग से बनने वाले स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। द्विअंगी का सूत्र लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आठ का खा, तो आपको क्या लिखना है, उत्तर आठ का खा, आप लिखो गए उत्तर आठ का खा। आठ के खा में सबसे पहले आपको फार्मूला बनाना है Mg और N का। सबसे पहले दोस्तों इसका फार्मूला बनाने के लिए आपको इसका आयन पता होना चाहिए। आयन कैसे निकालोगे हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लो Mg है यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इसको निकालोगे 2, 8 और 2, मतलब ध्यान देना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम होता है कि 2, 8, 8, 18, 32, ये नियम होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के, 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32 भी होता है, या 2, 8, 18, 18, 32 भी होता है, या 2, 8, 8, 18, 32 भी होता है, ठीक है। कुल मिला के मान लो 1, 8 हटा दो तो 2, 8, 18, 32 इसको मुझे बनाना पड़ता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हो गया 12, तो 2, 8, 2, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, फिर 2, तब 10 होगा यानी 12 होगा। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको 8 बनाने के लिए या तो किसी से 6 लेगा या अपना 2 दे देगा, तो अधिक लिया नहीं जाता है, कम वाला दिया जाता है, तो ये 2 दे देगा और देने वाला होता है धनी, तो मैग्नीशियम हो जाएगा 2 धनी, ठीक। अब इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में हम लोग देंगे 5 इलेक्ट्रॉन, या तो फिर ये अपना 8 पूरा करने के लिए ना, अष्टक पूरा करने के लिए या तो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो ये अधिक क्या करेगा, ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 5 देगा नहीं, ये 2 ले 3 ले लेगा, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन जो हो गया 3 ऋण हो गया, ठीक। इसका जब फार्मूला बनाओगे तो मैग्नीशियम की संयोजकता हो गया 2 और नाइट्रोजन की संयोजकता यानी आयन हो गया 3, इसका इसमें जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका जो सूत्र बन जाएगा, Mg3N2, ये बन गया इसका फार्मूला, ठीक। अब हमें मिलाना किसका, अब दूसरा नंबर में करना है हमें K और O का, तो दूसरा नंबर यहाँ पर कर दे रहे, दूसरा नंबर लिखेंगे उत्तर। अब जैसे मान लो कि बोर्ड एग्जाम में हमें पेज पलटना है, दूसरे पेज पे करना है, मान लो कि यहाँ तक हमें पेज जो है वो पेज यहाँ से फिनिश है, हमें दूसरे पेज में जो करना है तो हमें क्या लिखना है, हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है PTO लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता लगे कि हाँ आगे भी पेज में इन्होंने लिखा है, ठीक। तो उत्तर 8 का खा, खा का हम लोग यहाँ से दूसरा करने जा रहे हैं, दूसरा में हमारे पास किस किस का सूत्र बनाना है, के और ओ का, ठीक। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना कि के का परमाणु क्रमांक कितना होता है, के का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 19, तो हो जाएगा 2, 8, 8, फिर 1, क्योंकि 2, 8, 8, 1, 10, 18, 1, 19, यानी यहाँ पर के जो है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि वो 7 लेगा नहीं, 1 दे देगा, तो के जो हो जाएगा 1 धनी। इसके बाद ऑक्सीजन का होता है 8, तो हो जाएगा 2, 6, ऑक्सीजन को चाहिए 2, क्योंकि वो 6 देगा नहीं, फिर 2 ले लेगा, तो ऑक्सीजन होता है 2 ऋणी, तो यह जाएगा K का 1 संयोजकता और ऑक्सीजन का 2 संयोजकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा सूत्र, K2O, क्या बन जाएगा K2O, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को मिलाना है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का, तो तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है
13, तो ये जाएगा 2, 8 और 3, तभी 10 होगा, यानी 13 होगा, ये 10 और 3, 13। और ऑक्सीजन यानी ध्यान देना, एल्युमिनियम के पास हो गया 3 यानी 3 आयन, और ऑक्सीजन के पास हो गया 2 आयन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Al2O3। ये हो गया इसका अणु सूत्र Al और O का, ठीक है, अणु सूत्र या द्विअंगी यौगिक सूत्र, जिसको आप लोग दोनों नाम दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, इतने का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का करेंगे। 8 का में क्या होता है जब, यानी का यानी अथवा, का अथवा इन्होंने कहा है, 8 का अथवा, तो रासायनिक समीकरण देना है दोस्तों। या तो फिर आपको 8 का करना है या तो फिर अथवा करना है, बोर्ड एग्जाम यहाँ पर दोनों ही कर दे रहे हैं। तो 8 का तो लिखोगे उत्तर, 8 का क्या लिखोगे, उत्तर 8 का लिखोगे, और इस प्रकार से अथवा भी लिखोगे। तो 8 का अथवा में ये कहा गया है दोस्तों कि एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। एथेनॉल दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र H2SO4 के साथ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी सेंटीग्रेड नहीं केल्विन पर, 443 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं जब किसी चीज को, वस्तु को गर्म किया जाता है, जिससे बनता है वो अपने अणुओं में टूट जाता है। तो यहाँ पर C2H5OH जो है, OH जो है और H जो है, ये तो H2O में टूटेगा, तो आपके पास बनेगा क्या, ध्यान देना, जब H2O में टूटेगा ये इसका OH और इसका 1H, तो यहाँ पर C2H4 बना, तो इसको ऐसे दर्शाओगे CH2 double bond CH2, क्योंकि ये एथिलीन है और एथिलीन को हमेशा हम लोग डबल बॉन्ड से दर्शाते हैं। तो ये बन गया हमारे पास एथिलीन, क्या बना हमारे पास एथिलीन, ठीक। दूसरा हमसे ये कहा गया है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH+ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं, करता है तो क्या बनेगा। आपको पता है कि Na जो है इस H को आसानी से हटा देगा और खुद आके वहाँ पर जुड़ेगा, तो CH3COON हो जाएगा, CH3COONA हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम क्रियाशील है सोडियम से, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा। फिर मजबूरी में हाइड्रोजन को क्या करना होगा, हाइड्रोजन को यहां पर ध्यान देना कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को इसके साथ, यानी सबसे पहले इसको काम करते हैं, हाइड्रोजन को मजबूरी में इसके O के साथ क्रिया करना पड़ेगा। जब O के साथ क्रिया करेगा तब ये बनेगा H2O, और CO जो है ये टूटने पर बनता है CO2। दोस्तों बैलेंस करना पड़ेगा इसमें, ये टूटा है ना ये, तो इसमें जब बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले CH3COOCO कंप्लीट है, यानी दो बार है, यानी यहाँ पर एक बार है, दो का गुणा करना पड़ेगा। जैसे दो का गुणा करेंगे यानी कंप्लीट हो गया, और CH3CO2 हो गया, तो यहाँ पर दो का गुणा करना पड़ेगा। H हो गया यहाँ पर दो बार, H दो बार, बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। C एक बार, यहाँ पर भी परफेक्ट है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर O तीन बार है, 1, 2, 3, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर में ये कहा गया, एथिल एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। एथिल एसीटेट का दोस्तों फार्मूला बता दे, CH3COOC2H5+ किसके साथ क्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। आपको पता होना चाहिए यानी किसको हटाएगा, C2H5 को हटा के खुद होकर वहां पर आकर जुड़ेगा वो, तो ये हो जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मजबूरी में C2H5 को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, OH के साथ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का C2H5OH, ठीक। साथ बैलेंस भी पूरा है इसमें, कंप्लीट है, क्योंकि ये कभी हटा है और कुछ तो इसमें टूटा नहीं है। इसके बाद एथिल एसीटेट दोस्तों हमारे पास दूसरा जो है, ठीक हो गया, एथिल हो गया हमने कार्बन का, ठीक है। चौथा है मेथेन का दहन, तो मेथेन का दहन होता है,
मीथेन का फार्मूला क्या होता है CH4, दहन किसके साथ करते हैं O2 के साथ। अब यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास कि एक बनेगा CO2 और एक बनेगा H2O। बैलेंस कर लो, जब बैलेंस करेंगे तो C एक बार कंप्लीट है, यहाँ पर H O दो बार, O यहाँ पर हो गया 3 बार, पहले इसका 2 गुणा करो, H4 बना ना, H4 बार हो गया, O 2 बार, O 2 4 बार, तो 2 का गुणा यहाँ पर कर लो, बैलेंस भी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग करेंगे 8वें का खा दिया गया, खा का पहला, तो 8वें का खा ये लिखा गया है कि नंबर 1 चांदी का एक तार CuSO4 की बिलियन में डुबोया गया है तथा एक दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार AgNO की बिलियन में डुबोया गया है, दोनों बर्तनों में होने वाली अभिक्रियाओं का कारण सहित समझाइए। सबसे पहले ध्यान देना कि 8वें का खा का पहला, तो 8वें का खा का पहला दोस्तों ये अथवा क्वेश्चन है, ये अथवा है, तो उत्तर 8वें का खा का अथवा, अथवा क्वेश्चन दिए गए नीचे, तो पहला में आपके ये कहा गया है, पहले क्रिया में चांदी का एक तार CuSO4 की बिलियन में डुबाया गया है। चांदी का तार, चांदी का फार्मूला होता है Ag और बिलियन हो गया CuSO4, इसमें डुबोया गया है तो क्या होगा। और दूसरा ये पूछा गया, दूसरे बर्तन में एक तांबे का तार, तांबे का सूत्र होता है Cu प्लस, इसको डुबोया गया है AgNO3 के बिलियन में, तो क्या होगा। तो दोनों बर्तन में होने वाली अभिक्रियाओं को कारण सहित समझाइए। दोस्तों आपको पहले ये बता दें, विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने आपको पढ़ा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कापर जो है Ag से ऊपर स्थित है, मतलब कापर जो है वो Ag से अधिक क्रियाशील है, और जो वस्तु अधिक क्रियाशील होती है वो फिर दूसरी वस्तु को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होगा, यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं, क्यों कोई अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि Ag कापर से कम क्रियाशील है, Ag कापर को विस्थापित नहीं कर सकता है। यहां पर होगा आपके पास CuNO3 का होल टॉइस प्लस Ag, यहां पर ऐसा रिएक्शन इसलिए होगा क्योंकि कापर Ag से ऊपर स्थित है, यानी कापर Ag से अधिक क्रियाशील है, यानी कापर Ag को विस्थापित कर देगा। बैलेंस करो, यहां पर आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहां पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, कारण है कापर Ag से ऊपर स्थित है, कापर Ag से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कापर Ag को विस्थापित कर देगा, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 8वें का खा का दूसरा, तब लोग इसे हेडिंग डालना होगा आपको, 8वें का खा का दूसरा हेडिंग डालना होगा, आयनिक यौगिक, हेडिंग नहीं डालना होगा इसको, तो प्रश्न है आपको उत्तर लिख दो, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। दोस्तों आपको बता दे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है, आयन किसे कहते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपके पास धन आयन और एक होता है ऋण आयन। अब ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं ना, मिल जाते हैं, तो इसमें होता है आकर्षण बल। आपको बता दे कि प्लस और प्लस अगर सजातीय आवेश हो तो इसका प्रतिकर्षण बल होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, और अगर प्लस माइनस है तो इसमें होगा आकर्षण बल, और माइनस माइनस में भी ध्यान देना, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण और प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस माइनस में आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगने के कारण ध्यान देना, दो विपरीत प्रकार के आवेश में, यानी इसके इस आवेश में, कौन सा आवेश में, इस आवेश में, जब दो विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से मानी प्रबल बल से जुड़ जाते हैं, उस बल को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत उच्च होता है, क्योंकि दो विपरीत प्रकार आवेशों आवेश जो है आपस में जुड़ने के बाद वो प्रबल बल से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत उच्च होता है। क्लियर दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस सेट में हम लोगों ने केमिस्ट्री का अध्ययन किया है, अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।